दोस्तों, राम सुनियानी शो पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कभी कभी बातचीत तो होती है पर समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। हुआ यूं कि महाराष्ट्र असेंबली में अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने एक बयान दिया। आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख हैं और ये इस चुनाव के पहले तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे थे और उनके बीच में मुख्यमंत्री पद के लिए जो अनबन हुई उसके कारण उद्धव ठाकरे उनसे अलग हो गए और अब वो कांग्रेस, दोनों कांग्रेस पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा पितृ संगठन है, उसने आज़ादी के आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। अब इसके जवाब में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर के बी हेडगेवार ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं थे। और वैसे तो दोनों बातें सच हैं। ये बात सच है कि डॉक्टर हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघचालक थे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर थे जिन्होंने इस संगठन की नींव डाली, उन्होंने अपने जीवन में एक बार आज़ादी के आंदोलन के लिए जेल गए। और ये 1920 की बात है जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और उस हिस्सा लेने के कारण उन्हें 1 साल की जेल की सजा हुई। और जैसा आप जानते हैं कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, उसके बाद से हेडगेवार जी का जो रवैया था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और राष्ट्रवाद के बारे में, वो बदल गया। ये थोड़े से मैं बता दूं कि भारतीय आज़ादी का आंदोलन, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रवाद के मूल्यों के आधार पर चला, जबकि आरएसएस, हिंदू महासभा, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की थी। तो खैर, आरएसएस की संस्थापना के बाद हेडगेवार ने अपना जो उनका लक्ष्य था, हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य, उसको निश्चित कर लिया और उसी के आधार पे वो शाखाएं चलाने लग गए, स्वयंसेवक तैयार करने लग गए, प्रचारक तैयार करने लग गए। तो इसमें इसके बाद दो घटनाओं का उल्लेख करना जरूरी है। एक घटना जो 26 जनवरी 1930 के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक कॉल दिया था कि इस दिन को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे और इस दिन तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, इस दिन तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक है। इसके उलट हेडगेवार ने अपने पूरे शाखाओं को निर्देश दिया कि ठीक है, 30 जनवरी को हम मनाएंगे तो सही, पर इस दिन हम तिरंगा झंडा न लहराकर भगवा झंडा लहराएंगे। तो एक बात पहले क्लियर हो गई कि उनकी जो यात्रा थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थी। दूसरी बात, 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, जिसमें सॉल्ट सत्याग्रह भी था और बहुत सारी चीजें शामिल थी, उस समय हेडगेवार ने निर्णय लिया कि वो इस आंदोलन में निजी तौर पर शरीक होंगे, निजी तौर पर शामिल होंगे, और इसके लिए उन्होंने आरएसएस को इससे दूर रखा। उन्होंने कहा आरएसएस इसमें भाग नहीं लेगी पर मैं निजी तौर पर इसमें भाग लूंगा। तो इसमें दुविधा क्या है, वो आरएसएस पर किसी प्रकार की ब्रिटिश विरोधी आंच, ब्रिटिश का रिप्रेशन नहीं आने देना चाहते थे। और निजी रूप से उनके बायोग्राफर सीपी भिशिकर लिखते हैं कि हेडगेवार ने इसमें भाग लिया राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों के समांतर नहीं। उनका एक विशिष्ट कारण था, वो ये जानते थे कि 1930 के आंदोलन में ज्यादा समर्पित कमिटेड लोग जो राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे हैं वो जेल में रहेंगे, तो अगर हेडगेवार भी जेल में गए तो उनसे मिलकर चर्चा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ भले वो जेल में गए पर उनका एजेंडा एकदम अलग था। तो ये बात देवेंद्र फडणवीस की सही है कि हेडगेवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पर जो मैंने 3 इंसिडेंट बताए उसमें केवल एस पहले वाली घटना में वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ उन्होंने शिरकत की।
इसके बाद की दोनों घटनाओं में उन्होंने एक अलग प्रकार से शिरकत की, एक अलग प्रकार का उसको मोड़ दे दिया जो हिंदू राष्ट्र के सिद्धांतों पर मेल खाता था। खैर, इसके बाद 1942 का ब्रिटिश विरोधी आंदोलन आया। ये शायद एक बहुत बड़ा आंदोलन था, महान आंदोलन था, जिसमें देश के सभी धर्म, सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी भाषाओं के लोगों ने भाग लिया। उस समय ब्रिटिश सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था कि जो भी लोग अपने यूनिफॉर्म में परेड करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने इसको बंद करना चाहिए। और आपको तो पता होगा आरएसएस की शाखाओं में जो एक गणवेश होता है और दूसरी चीजें होती हैं, तो उसके आधार पे आरएसएस ने तय किया कि हम ब्रिटिश सरकार की बात को मानेंगे। और गोलवलकर जो उस समय सरसंघचालक थे, उन्होंने सभी शाखाओं को निर्देश दिया कि हम आरएसएस के रूप में 1942 के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ब्रिटिश सरकार नाराज हो। इसके लिए उन्होंने सब शाखाओं को निर्देश दिया कि आप जो ब्रिटिश का सर्कुलर है उसके हिसाब से चलिए। और यहाँ ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी जो आई, उन्होंने भी बताया कि आरएसएस ने इसमें किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं लिया। और गोलवलकर को जब कई लोगों ने नीचे से, कई स्वयंसेवक चाहते थे कि आरएसएस भी आज़ादी के इस आंदोलन का भाग बने, तो गोलवलकर ने उन्हें कहा कि आरएसएस संगठन के रूप में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो पूरा आंदोलन था वो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए था और आरएसएस जो है वो हिंदू राष्ट्रवाद के लिए। और इसके लिए उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जो उनकी किताबों में आता है। उन्होंने अपने जो गुरुजी समग्र दर्शन के भाग चार में इस बात को उल्लेखित किया है। उन्होंने कहा, जब लोग मेरे पास आए कि भाई हमें भी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेना है, तो मैंने उन्हें बताया कि ये गलत है, आप उसमें हिस्सा मत लीजिए। और उसमें एक वो घटना का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि 1930 में भी हेडगेवार जी पर इस प्रकार का दबाव आया था, पर हेडगेवार जी के पास, जैसे एक घटना का जिक्र करते हैं, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा मैं इसमें भाग लूंगा, मैंने अपने लिए 2 साल तक की जो सुविधा है वो करके रखी है। क्योंकि हेडगेवार जी ने पूछा, आप जेल में जाएंगे तो आपके परिवार को कौन देखेगा, तो सज्जन ने कहा मैंने उसकी उसका इंतजाम करके रखा है। तो हेडगेवार कहते हैं कि आप, अगर आपने इंतजाम करके रखा है तो आप आइए और 2 साल के लिए संघ में काम कीजिए। बाद में वो सज्जन न संघ के लिए काम करने आए, न उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। तो इससे ये जो 3-4 घटनाएं मैंने आपको बताई, ये एक आइडियोलॉजिकल वैचारिक सवाल था, क्योंकि इस आंदोलन में भाग लेना ये एक भारतीय के रूप में था, एक हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं था। इसीलिए जो भी सांप्रदायिक संगठन थे, जो मजहब के नाम का एक राष्ट्र चाहते थे, जो रिलीजियस नेशनलिज्म चाहते थे, जो आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे और जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की एक प्रकार से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मदद की, उनकी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति, उसका एक ये हिस्सा बने। और इसी तरफ से, इसलिए एक तरफ से मुस्लिम लीग की बात आई, एक तरफ से हिंदू राष्ट्र, हिंदू महासभा और आरएसएस की तरफ से आई। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात कही, और खैर ये दो राष्ट्र का जो सिद्धांत हमें 1923 में सावरकर ने रखा था, बाद में मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया, हिंदू महासभा आरएसएस भी इसको स्वीकार करते थे, और उसी आधार पे देश का विभाजन हुआ। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि केवल भारत माता की जय कहने से आप अपने राष्ट्रवाद को सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। और इस बात को देवेंद्र फडणवीस ने भी माना कि केवल केवल आरएसएस के सरसंघचालक वो आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। और जैसे मैंने बताया, 3 घटनाओं में, 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन दोनों में जो पूर्ण स्वराज दिवस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, उसमें इन्होंने भाग तो लिया पर एक अलग प्रकार से भाग लिया, एक अलग एजेंडा रख के भाग लिया। तो खैर, आज सवाल इस बात का है कि हम अपने राष्ट्रवाद को कैसे देखें, क्या हम उसको
धर्म के आधार पर देख सकते हैं, जैसा सांप्रदायिक संगठन करते हैं, या हमने इसे एक सर्वसमावेशी इंक्लूसिव, जो एक दूसरे की बातों को, विविधता को स्वीकार करता है, उसके रूप में देखें। यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है। सवाल केवल यही नहीं है कि किस संगठन ने भाग लिया, किस संगठन में भाग नहीं लिया, सवाल ये है कि किन दो मूल्यों के आधार पे हमारा राष्ट्रवाद चला। एक तरफ जो गांधी के नेतृत्व में चला, जिसमें नेहरू और सरदार पटेल थे, वो सर्वसमावेशी इंक्लूसिव एक उदार राष्ट्रवाद था, जो मतभेदों का स्वागत करता था, जो दूसरे लोगों के धर्म और भाषा और क्षेत्र की पूरी पूरी आदर के साथ आगे करता था, जबकि संकीर्ण राजनीति वाले, मुस्लिम लीग वाले केवल मुस्लिम राष्ट्र की बात करते थे, हिंदू महासभा आरएसएस वाले केवल हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आरएसएस ने संगठन के रूप में किसी प्रकार का भाग नहीं दिया। भले ही आज राष्ट्रवाद के बारे में सबसे बड़ी बड़ी बातें वही करते हैं, पर जब भारतीय राष्ट्र बन रहा था उस समय उन्होंने इसमें किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया। खैर, आपका धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और मुद्दे पर अगले सप्ताह, और इस आधार पे हम चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जो और हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारी नागरिकता का आधार क्या है। हमारी राष्ट्रीयता भारतीय राष्ट्रीयता है, इंडियन नेशनलिज्म। हमारी नागरिकता का आधार इंडियननेस है, और इसमें धर्म को जोड़ना, धर्म के आधार का उद्देश्य रखना, ये अलग प्रकार का एजेंडा है जो आज़ादी के आंदोलन ने, जिसका सपना नहीं देखा, जो आज़ादी के आंदोलन के सब बड़े लीडर, वो भगत सिंह हो, अंबेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, या जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इन सब लोगों ने सर्वसमावेशी इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद की बात की, जिसके खिलाफ आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने संकीर्ण धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद की बात की। आपका बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे विषय के साथ अगले सप्ताह, और मैं उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप गहराई से सोचेंगे, ताकि हम अपने देश के प्रगति में, देश की प्रगति में योगदान दे सकें, और ऐसे मुद्दों पर फोकस करें, ऐसे मुद्दों पर अपना ध्यान दिलाएं जिसका संबंध हमारे समाज के विकास से है, हमारे रोजी रोटी, कपड़ा, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, और हमारे नागरिक अधिकार से जिसका संबंध है, और जो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं उनको हम पीछे रखकर समाज की प्रगति के लिए काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, और उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। थैंक यू।